ओके, नासाज स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली कलेक्टेड अ पीस ऑफ एस्टेरॉयड बेनू. इट विल ब्रिंग द सैंपल बैक टू अर्थ बाय 2023 फॉर रिसर्च. अच्छा, आपको पता है स्पेस क्या होता है? स्पेस मतलब जहां पे जो स्टार्स वगैरह आप देखते हो, जो आप तारे देखते हो आसमान में, वो सब बहुत दूर है. हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ से हमें मून दिखता है, सन दिखता है, ये सब भी हमसे बहुत दूर है, बहुत 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 दूर आसमान में. तो जो बहुत दूर है ना, उस आसमान को स्पेस भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? स्पेस, आउटर स्पेस, अंतरिक्ष. तो अंतरिक्ष में है ना बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, बहुत सारे तारे होते हैं, बहुत सारे रॉक्स भी होते हैं, बहुत सारे पत्थर भी होते हैं, बड़े बड़े पत्थर, और वो स्पेस में ऐसे घूम रहे हैं पत्थर. ओके, ऐसा है स्पेस में. तो नासा करके एक संस्था है, नासा करके अमेरिका में एक कंपनी है, ऐसा समझ लो, एक ऑर्गेनाइजेशन है. उसकी एक स्पेसक्राफ्ट है. ये स्पेसक्राफ्ट क्या होती है? ये स्पेस में चलती है. जैसे गाड़ी कैसे रास्ते पे चलती है, वैसे ये जो स्पेसक्राफ्ट है ना, ये स्पेस में चल सकती है. तो ये जो स्पेसक्राफ्ट है, ये नासा ने बनाई है. ओके, और नासा ने क्या किया है इस स्पेसक्राफ्ट के द्वारा? ये स्पेसक्राफ्ट ने एक रॉक जिसका नाम है बेनू, ओके, स्पेस में एक रॉक था, अंतरिक्ष में एक पत्थर था बहुत बड़ा जिसका नाम था बेनू. तो वो बेनू जो पत्थर था ना, उसका एक टुकड़ा ये स्पेसक्राफ्ट ने पकड़ लिया है, कैप्चर कर लिया है, उसको ले लिया है, खींच लिया है. और फिर ये जो उसने पकड़ा है, ये जो पत्थर, उसने पत्थर का जो टुकड़ा है उसने पकड़ लिया है, उससे हम क्या करेंगे? इसको अर्थ पे लाया जाएगा. वो पत्थर का जो टुकड़ा है उसको अर्थ पे लाया जाएगा कभी 2023 में, 3 साल के अंदर अंदर. और फिर उस पे क्या करेंगे? रिसर्च. रिसर्च मतलब उसके ऊपर हम उसको हम चेक करेंगे कि वो किस चीज का बना हुआ है पत्थर, वो पत्थर से क्या कर सकते हैं, और वो पत्थर का साइज कितना है. सो वो सब हम जानकारी मिल सकती है उस पत्थर के बारे में. तो हमें और समझ आएगा कि आसमान में, स्पेस में कैसे कैसे पत्थर घूम रहे हैं, वो पत्थर किस चीज के बने हैं, वो पत्थर कितने भारी है, राइट? उनके अंदर कौन कौन से मेटल्स है, कौन कौन से धातु है, उनके अंदर पानी है तो कितना पानी है. तो ये सब साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, जांच करते हैं. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज. ओके, IIT खड़गपुर डेवलप्ड कोविरैप, अ लो कॉस्ट COVID-19 टेस्टिंग मशीन. इट गिव्स रिजल्ट्स विद इन एन आवर एंड डिटेक्ट्स द वायरस अर्ली. तो आपको पता है COVID-19 क्या है? COVID-19 इज कोरोना वायरस. ओके, तो कोरोना वायरस एक बीमारी है, राइट? एक टाइप का वायरस है. तो अगर किसी को वो वायरस हो जाता है तो हमको टेस्ट करना पड़ता है ना. अगर किसी के बॉडी के अंदर वायरस आ गया तो पता कैसे चलता है उसके अंदर वायरस है कि नहीं है? उसका हम टेस्ट करते, करेक्ट? तो टेस्ट कैसे होता है? एक मशीन होती है जिसमें टेस्टिंग किया जाता है. ओके, तो एक मशीन IIT खड़गपुर एक कॉलेज है, ओके, जहां पर आप साइंस पढ़ सकते हो. IIT खड़गपुर किस चीज का कॉलेज है? साइंस का, इंजीनियरिंग का. तो वो कॉलेज वालों ने, वहां पे जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, वहां पे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उन लोग ने एक मशीन बनाया है. वो मशीन का क्या नाम है? मशीन का नाम है कोविरैप. वो कोविरैप से क्या होएगा? आप वायरस को, कोरोना वायरस का टेस्ट कर सकते हैं. ओके, जैसे किसी का ब्लड निकालते हैं, किसी का खून निकालते हैं उनकी बॉडी में से थोड़ा सा, ओके, एक सैंपल लेते, थोड़ा सा खून निकालते किसी की बॉडी में से, और फिर वो मशीन के अंदर डालते. फिर मशीन में से बाद में थोड़े टाइम बाद पता चलता है कि उस आदमी के खून के अंदर वायरस है कि नहीं है. तो हमें पता लगता है कि इस पर्सन को, उस आदमी को कोरोना वायरस है या नहीं है. तो ऐसे ही IIT खड़गपुर की जो कॉलेज है,
वो कॉलेज के स्टूडेंट्स ने कोविराप करके एक मशीन बनाया है। तो वो मशीन में ना बहुत जल्द पता चलता है, बहुत फटाफट पता चलता है कि वो सैंपल में वो पर्सन का जो खून है, वो इंसान का जो खून डाला है उसके अंदर, उसको उसके अंदर कोरोना वायरस है या नहीं है। तो एक घंटे के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिल जाता है कि वो जो पर्सन है वो कोरोना वायरस पॉजिटिव है या कोरोना वायरस नेगेटिव है, उस पर्सन को कोरोना वायरस है या नहीं, एक घंटे के अंदर पता चल जाता है। ओके, तो ये मशीन बहुत फास्ट है, वेरी वेरी फास्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस वॉज द न्यूज ऑफ द वीक।